इसराइल हमास जंग के बीच गजा पट्टी पर इजरायली सेना की बमबारी का कहर जारी है, जिसे लेकर मुस्लिम देशों में बड़ी नाराजगी है। हालांकि अभी तक कोई भी मुस्लिम देश सीधे तौर पर इसराइल के सामने खड़ा नहीं हुआ है। सोमवार सुबह तड़के इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ईरान पहुंचे। राजधानी तेहरान के सादाबाद महल में राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी ने अल सुदानी का आधिकारिक स्वागत किया। हालांकि अल सुदानी की इस अचानक ईरान यात्रा का मकसद फिलहाल साफ नहीं है। ये यात्रा इसराइल और ईरान समर्थित हमास के बीच युद्ध के दौरान हो रही है, जिसमें 7 अक्टूबर को हमास ग्रुप के हजारों लड़ाकों ने इसराइल में घुसपैठ की और घातक आतंकी हमला करके सैकड़ों लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। उसके बाद से गजा पट्टी पर इजरायली हमले जारी हैं। दोनों तरफ तकरीबन 11,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 9,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी लोग शामिल हैं। खैर, अल सुदानी की ईरान यात्रा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात के एक दिन बाद हो रही है, इसलिए उनकी इस ईरान यात्रा को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल रविवार को अल सुदानी और ब्लिंकन दोनों नेताओं ने बातचीत की थी, क्योंकि इस इलाके में अमेरिकी सेना को इराक और दूसरी जगहों पर ईरानी सहयोगी आतंकी संगठनों के हमलों में हुई बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिकी फोर्स ने रविवार को एक और एक तरफा हमला करने वाले यानी वन वे ड्रोन को मार गिराया, जो पड़ोसी सीरिया में उनके अड्डे के पास अमेरिकी और गठबंधन सैनिकों को निशाना बना रहा था। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ईरान समर्थित समूहों के हमलों का वो जवाब देगा। ईरान ने बार बार अमेरिका को गजा में इजरायली युद्ध अपराधों यानी वॉर क्राइम्स में सहभागी कहा है। ईरानी विदेश मंत्री ने अक्टूबर के अंत में कहा था कि अमेरिका इस आग से बच नहीं पाएगा। इससे पहले ईरानी विदेश मंत्री ने इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की बैठक में इसराइल पर तेल और दूसरे प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि OIC देशों को गाजा में अल अहली अरब हॉस्पिटल पर हमले को लेकर सभी इजरायली राजदूतों को निष्कासित कर देना चाहिए। उधर यूरोपीय संसद के सदस्यों के साथ 3 नवंबर को OIC की मीटिंग के दौरान भी गाजा का मुद्दा उठा। दोनों पक्षों ने फिलिस्तीनी मसले का उचित और व्यापक राजनीतिक समाधान खोजने के लिए काम करने पर जोर दिया, ताकि मिडिल ईस्ट और बाकी दुनिया में सुरक्षा और स्थिरता कायम हो सके। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।